20 साला जवान खूबसूरत लड़की, फेसबुक पर मोहब्बत का इंजाम, लड़का बीच चौराहे छोड़कर भाग गया, आखिर क्यों? मैं फेसबुक इस्तेमाल करती थी, ठीक है, मैं उन्होंने मुझे मैं हमने तस्वीरें वगैरह लगाई थी, तस्वीर लगी हुई थी तो मैंने उनकी देखी, उन्होंने मुझे देखा, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी फेसबुक पे चैटिंग होने लग गई। पहले थोड़ी देर हम करते रहे बात उनसे, फिर हमारा उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया, मैंने उनको ये दिया फेसबुक का और व्हाट्सएप का नंबर दिया उनको। फिर आस्ता आस्ता हमने शादी करने का फैसला कर लिया। हमने उसने अपने घर वालों से बात की, मैंने अपने घर वालों से बात की। मेरे घर वाले कहते हैं बेटे वो बुलादा अमीर है, हम उसके काबिल नहीं हैं, वो हम नहीं उनके साथ शादी कर सकते तुम्हारी। तो उसके घर वाले कहते हैं कि इतनी गरीब घर की हम लड़की नहीं ले सकते, हमने नहीं करनी है। ऐसे ही करते करते हैं बात हुई हमारी, हमने मैंने उससे बताया, उसने मुझे बताया, उसने कहा हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मैं भी फिर इसमें शामिल हो गई, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ आगे क्या होना है। ऐसे ही मैंने फिर उसके साथ जाके शादी कर ली। हमने फिर 1.5 साल तक हमारी शादी सही चलती रही है। बाद में जब कॉल आती थी उनकी, मेरे सामने इन करते थे, जब मैं पूछती थी कि कॉल किसकी है ये, मुझे आगे से वो डांटना शुरू हो जाते, बोलने लग जाते थे, कहते थे तुम्हें इसमें क्या मसला है, तुम इसे मेरे से क्यों पूछ रही हो। कब आपको पहली मरतबा पता चला कि ये धोखा दे रहा है, बदल गया? ये जब हमारी शादी के बाद अचानक बदल गया जी। कितने माँ बाप जी? 1.5 साल पूरे सही हुआ था, बाद में थोड़ी देर बाद एंड पे बदल गया था। अपने घर लेकर जाता था? नहीं, वो जेल में जाता था, मुझे नहीं पता। आपको कहाँ रखा था? मैं कहीं और बाहर जाती थी। तो कब पता चला कि वो छोड़कर चला गया? ये एकदम ऐसे कह के मैं बाहर जा रहा हूँ, उसके बाद वापस नहीं आए। तो चांद जैसा बेटा भी अल्लाह ने आपको दे दिया, इंसान को औलाद से बड़ी क्या नेमत होती है, तो उसको उसकी भी परवाह नहीं आई? नहीं, उसकी भी नहीं आई। उससे भी छोड़ के चला गया जी। आपने कोई रابطہ करने की कोशिश की, उसके पीछे जाने की कोशिश की? मेरे पास उसका नंबर था, मैं उसके फोन करती थी पर उसका फोन बंद जा रहा था, मेरे साथ नहीं रابطہ किया। फिर 10-15 दिन बाद मैंने फिर दोबारा रोजाना करती थी, एक दिन उसका किसी और नंबर से आया फोन, उसने कहा मेरा इंतजार न करना। मैंने कहा क्यों? कहता मैंने शादी कर ली है। एक हाल ने जब उसने मुझे छोड़ा, पहले मैं ऐसी धक्के खाती नहीं हूँ, किराए वो लोग जहाँ मैं रहती थी वो किराया मांगते थे, बिल वगैरह मांगते थे, मेरे पास वो देने के लिए नहीं था। खाला ने किस तरीके से आपको कबूल कर लिया? मेरी वो कज़न है, बस मेरी एक दफ़ा उसका कॉल आया, उसकी मुझे कॉल है, मैंने उसे अपनी सारी स्टोरी बताई, फिर उसने अपनी मम्मी को बताई, तो फिर खाला ने ना मेरे साथ बात की, उसने मेरे से बताया, उसने कहा अगर तुम्हारे माँ बाप नहीं मिलते तो मैं तुम्हारी माँ हूँ ना। हम चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से आपकी हेल्प हो, क्या इस पाकिस्तानी के अपने भाइयों को जो आपकी बाप की उम्र के लोग हैं या अपने माँ बाप को कोई मैसेज देना चाहेंगी? सबसे पहले देखिए मेरी माँ बाप तो मुझे देखना नहीं चाहते हैं, मैं उनको क्या दूँ? उन्होंने नहीं मानना, वो कहते हैं तुम हमारे लिए मर गई, हम तुम्हारे लिए मर चुके हैं। कोशिश तो करो, कोई बात तो करना चाहो। हो सकता है अल्लाह उनके दिल में रहम डाल दे। शर्मिंदा है काफी इस बात है ना जी। आप हमारी बहन है, पूरी पाकिस्तानी कौम की बेटी हैं, किस तरीके से लोग आपकी हेल्प करें, आपको क्या चाहिए? देखिए मैं तो जहाँ पहले ही कहूँगी कि जहाँ मैंने पहले रहती थी उनका किराया वगैरह नहीं, मेरे बेटे का दूध के लिए मेरे पैसे नहीं, मैं खुद इतने परेशान हूँ जिसका गुस्सा भी नहीं। खुदारा मोहब्बत की ऐसी शादियां जिसमें माँ बाप की इज्जत को तार तार किया जाए, बचें ताकि आपकी और आपकी आने वाली नस्लें सुख का सांस ले सकें।